हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे पासे का थर्ड पार्ट। पासा क्लास का तीसरा पार्ट होगा और पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि मानक पासा और साधारण पासा होता क्या है। मानक पासा वह पासा होता है जिसके दो विपरीत सतहों का योग, दो लगातार विपरीत सतहों का योग या दो विपरीत सतहों का योग साथ होता है और दो लगातार सतहों का योग कभी भी साथ नहीं होगा। यानी वह पासा जिसके दो विपरीत सतहों का योग साथ होगा मानक पासा, और जिसके दो लगातार सतहों का योग साथ होगा साधारण पासा। ठीक है, फिर हमने बताया कि साधारण पासा दो प्रकार का होता है, बंद पासा या खुला पासा, उसमें भी हमने देखा था। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई पासा हमें दिया गया हो, कोई पासा हमें दिया गया हो और उस दिए हुए पासे में विपरीत सतह का ज्ञान हमसे पूछ ले कि भाई ये जो हमने आपको पासा दिया है उस पासे के विपरीत सतह का नंबर, अक्षर, अंक बताइए। या तो नंबर पूछेगा, कोई संख्या पूछ लेगा, कोई अंक पूछ मतलब कोई संख्या पूछ लेगा, कोई चिन्ह पूछ लेगा या कोई शब्द पूछ लेगा। कहेगा कि जो आपके सामने एक पासा है और उस पासे पर कुछ अंक, नंबर, शब्द या चिन्ह दिए गए हैं, इसके विपरीत पर उपस्थित यानी विपरीत सतह पर उपस्थित अंक, नंबर या चिन्ह को बताइए। जैसे बात करेंगे आज हम लोग, आज की पूरी क्लास हमारी किस पर होगी, तो विपरीत सतह ज्ञात करना। यानी आज हम लोग सीखेंगे डाइस में विपरीत सतह ज्ञात, विपरीत सतह ज्ञात करना, विपरीत सतह ज्ञात करना। यानी कोई पासा हो और उस पासे की विपरीत सतह अगर हमें ज्ञात करनी हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, इसमें कई हिसाब से होंगे, मतलब कई स्टेज में हम आपको बताएंगे। मान लेते हैं जब एक पासा दिया हो, जब कितना पासा दिया हो, विपरीत सतह ज्ञात करना है, लेकिन कंडीशन है जब केवल एक, जब केवल एक पासा हो, जब केवल एक पासा हो और उसी एक पासे में आपको विपरीत सतह के नंबर, शब्द, अक्षर या चिन्हों को क्या करना हो, बताना हो। जब केवल एक पासा या घन दिया हो और उसके विपरीत अंकों को आपको क्या करना हो, बताना हो। जैसे देखिएगा, मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस प्रकार का पासा है, कुछ इस प्रकार का पासा है जिस पर कुछ नंबरिंग की हुई है। मान लेते हैं दो है, तीन है और चार है, दो तीन चार। ठीक है, देखिएगा, दो तीन चार एक कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि सबसे पहले यह पासा कौन सा पासा है, यह पासा जो हमने दिया है यह कौन सा पासा है, साधारण पासा है कि मानक पासा है, तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर किन्हीं दो लगातार सतहों का योग अगर सात हो, दो लगातार सतहों का योग अगर सात हो तो वह पासा कौन सा पासा होगा, साधारण पासा। अगर दो लगातार सतहों का योग सात ना हो, दो लगातार सतहों का योग सात ना हो तो वह कौन सा पासा होगा, वह मानक पासा होगा। अर्थात इस पासे को पहले हम चेक करेंगे कि यह साधारण है कि मानक है, तो इसके लिए हमें करना होगा दो लगातार सतहों का योग अगर सात आएगा तब तो यह साधारण होगा, अगर दो लगातार सतहों का योग सात नहीं आएगा तब यह कौन सा पासा होगा, तब यह हमारा क्या होगा भाई, मानक पासा होगा। अर्थात इसके दो लगातार सतहों का योग सात नहीं है तो यह कौन सा पासा है, अतः यह मानक पासा है। कौन सा पासा है, मानक पासा। अब हम जानते हैं कि मानक पासा वह पासा होता है जिसके विपरीत सतहों का योग क्या होता है, सात होता है। यानी मानक पासा वह पासा होता है जिसके विपरीत सतहों का योग सात होता है, अर्थात दो के विपरीत, यानी दो के विपरीत क्या होगा भाई, पांच होगा। एक के विपरीत क्या होगा, तो एक के विपरीत आपका छः होगा, और चार के विपरीत क्या होगा, तीन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह कौन सा पासा है, यह मानक पासा है। यानी जब एक ही पासा दिया हो
और उसमें आपसे पूछ दे कि भाई इस पासे के विपरीत सतहों का नंबर, अक्षर या चिन्ह को बताइए, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वह कौन सा पासा है। तो सामान्यतः जब केवल एक पासे की बात करें, जब केवल एक पासे की बात करता है तो वह सदैव ही आपको मानक पासा देगा, क्योंकि साधारण पासा अगर एक पासा देगा तो हम उसके इस विपरीत सतह का मान आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते, थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। आसानी से हम केवल मानक पासे का ही, केवल एक सिंगल मानक पासा दे दे, उसके विपरीत सतहों का योग या अंकों को या अक्षरों को हम ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आपके सामने है। क्लियर, चीज़ें समझ में आई। हमने क्या बताया, हमने बताया कि आज की पूरी क्लास हमारी विपरीत सतह ज्ञात करने पर होगी, कि अगर केवल एक पासा हो तो उसके विपरीत सतह को हम कैसे ज्ञात करेंगे, दो पासा हो तो उसके विपरीत सतह को कैसे ज्ञात करेंगे, तीन पासा हो, चार हो, पाँच हो या कई पासे हो, उनके विपरीत सतहों को हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें हमने आपको पहला बताया कि जब केवल एक पासा हो, जब वह पासा जो हमको दिया है, सबसे पहले हम यह चेक करेंगे कि यह जो हमें पासा दिया गया है यह कौन सा पासा है, साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि साधारण पासा वह पासा होता है जिसके दो लगातार सतहों का योग 7 होता है, और मानक पासा वह पासा होता है जिसके दो लगातार सतहों का योग 7 कभी नहीं होता है, दो लगातार सतहों का योग 7 कभी नहीं होता है। तो हमने चेक किया तो हमें मिला कि यह कौन सा पासा है, मानक पासा है। जब मानक पासा है तो हम जानते हैं कि मानक पासा वह पासा होता है जिसके दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है, अर्थात 2 में 5 जोड़ेंगे 7 आएगा, 1 में 6 जोड़ेंगे 7 आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आएगा, यानी मानक पासा वह पासा होता है जिसके दो विपरीत सतहों का योग सदैव क्या होता है, 7 होता है। क्लियर, चीज़ें समझ में आई, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा मानक पासा, सॉरी विपरीत सतह में पहला फैक्ट था, जब केवल एक पासा हो, पहला हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे की, किसकी बात करेंगे, दूसरे की। यदि जब हमारे पास दो पासे हों, क्या हो भाई, दो पासे हों, तब क्या करेंगे, देखिएगा, जब दो पासा दिया हो, जब दो पासा दिया हो, यह हमारा सेकेंड फैक्ट होगा विपरीत सतह का। जब हमारे पास दो पासे दिए हों, जैसे देखिएगा, मान लेते हैं एक पासा कुछ इस प्रकार है, साथ में आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ साथ डायग्राम बनाते रहेंगे तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और एग्जाम टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने क्या बताया, ये अगला फैक्ट हमारा होगा, जब हमको दो पासे दिए हों और इन दोनों पासों के विपरीत सतहों का नंबर, शब्द, चिन्ह को क्या करना हो, ज्ञात करना हो। जैसे आपके सामने दिया गया है कौन सा पासा, दो पासे हैं जिसमें 2 1 4, 2 1 4, 5 2 6, कुछ इस प्रकार के नंबर दिए हुए हैं। अब हमारे पास कितने पासे हैं, दो पासे हैं। अब हम चाहे तो यहाँ चेक भी कर सकते हैं, यह साधारण पासा है कि मानक पासा है। यह वाला चेक करें तो हमारे पास 4 2 6 2 1 3 4 1 5, यानी यह साधारण नहीं है, मानक है। यहाँ पर चेक करेंगे 5 2 7, यह क्या है, साधारण है। अब यहाँ पर मानक और साधारण का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट चित्र को देखेंगे, चित्र के में उपस्थित जो नंबर हैं उनको देखेंगे और उनके आधार पर इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास पासा दिया गया है, जो भी पासा दिया गया, यह पहला हो गया और यह हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया। अब दोनों पासा में सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा अंक या शब्द या चिन्ह है जो दोनों जगह क्या है, उपस्थित है। जैसे इस वाले पासे में भी नंबर 2 है, यानी 2 संख्या है, 2 संख्या दी हुई है, यहाँ पर भी 2 संख्या, यानी 2 अंक यहाँ पर भी है, 2 अंक यहाँ पर भी, यानी दोनों पासों में कोई न कोई एक शब्द, एक चिन्ह, एक या एक संख्या क्या होगी, कॉमन होगी। और उसी कॉमन चिन्ह, संख्या, शब्द को देखकर वहीं से घड़ी के दिशा में, किस दिशा में भाई, घड़ी के दिशा में, अर्थात क्लॉकवाइज हम क्या करेंगे, गति करेंगे, मूव करेंगे, क्लॉकवाइज नंबर की ओर बढ़ेंगे।
यानी दो के बाद क्या आएगा एक, एक के बाद क्या आएगा चार, उसी प्रकार दो के बाद क्या आएगा छः, और छः के बाद क्या आएगा पांच। यानी दो के सामने पहला वाला ले लें तो दो के सामने क्या पड़ा भाई एक, दो के बाद एक आया और एक के बाद क्या आया चार आया। फिर उसी प्रकार यहाँ पर इस वाले दो को भी दो लिखेंगे, अब इस दो के बाद क्या आया एक छः, और छः के बाद क्या आया, छः के बाद क्या आया पाँच, यानी दो के बाद एक और एक के बाद क्या आया दो के बाद एक और एक। आइए देखते हैं वहाँ पर कुछ नंबर में प्रॉब्लम थी, यानी जो नंबर हमने दिया था वो नंबर आपसे हमसे अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा था, कुछ डाटा मिसिंग था, इसलिए फिर से ध्यान से देखिएगा। हमने पहला जो पासा लिया है इस पासा में चार दो तीन, और दूसरा पासा जिसमें एक पाँच दो दिया हुआ है, दिया हुआ है। फिर हमने क्या बताया कि दोनों पासा में कोई ना कोई एक नंबर या एक शब्द या कोई एक चिन्ह क्या होगा कॉमन होगा, और उसी कॉमन नंबर चिन्ह को देखकर आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे दो है यहाँ पर भी दो है, तो दो के बाद क्या आएगा भाई तीन, और तीन के बाद क्या है चार। यानी पहला वाला जो है हमारा कौन सा पासा है, यह हमारा पहला पासा है। पहले वाले में हमने क्या किया, यह हमारा प्रथम पासा है, यह हमारा कौन सा है प्रथम, जिसमें हमने देखा कि दो के क्लॉक वाइज यानी घड़ी की दिशा में हम बढ़ते हैं, तो दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। ठीक उसी प्रकार जो हमारा दूसरा पासा है इसमें जब हम देखेंगे तो दो आएगा, यानी दो के विपरीत दो, यानी एक ही सतह कॉमन है, तो दोनों को नंबर दो लेंगे, दो के बाद एक और एक के बाद क्या आया पाँच, यानी दो के बाद एक और एक के बाद क्या आया पाँच, दो के बाद एक और एक के बाद पाँच आया। ठीक है, यानी अगर हम बात करें यह हमारा कौन सा पासा है, यह हमारा दूसरा पासा है, कौन सा पासा है भाई दूसरा पासा। ठीक है, अब हम बात करें कि तीन का विपरीत तो एक हो गया, चार का विपरीत क्या हो गया पाँच हो गया, लेकिन इस दो का विपरीत कौन है, दो का विपरीत वह नंबर होगा जो हमको इस पूरे नंबर में दिखाई नहीं देगा। हम जानते हैं कि पासा या घन में कुल कितनी सतह या पृष्ठ होती है, तो पासा या घन में कुल छः सतह होते हैं, छः पृष्ठ होते हैं, और छः पृष्ठों में छः नंबर होते हैं, यानी एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक नंबर हमको नहीं दिख रहा है वह कौन सा नंबर है छः, अर्थात दो का विपरीत क्या होगा दो का विपरीत छः, यानी दो का विपरीत छः, तीन का विपरीत एक और चार का विपरीत पाँच। क्लियर, उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई हो। एक बार फिर से देखिएगा हमने क्या बताया, हमने बताया कि जब दो पासे दिए हों और उन दोनों से या उन दोनों की सहायता से विपरीत सतह का ज्ञात करना हो तो हम करेंगे क्या भाई, जब दो पासे दिए हैं तो इन दोनों पासों में सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई ना कोई एक नंबर एक शब्द या एक चिन्ह ऐसा होगा जो दोनों जगह उपस्थित होगा, दोनों पासों में क्या होगा उपस्थित होगा, उसी नंबर शब्द चिन्ह को मानक मानकर या उसे ही मानक मान के वहाँ से घड़ी के दिशा में, किस दिशा में घड़ी के दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में, या तो आप घड़ी के दिशा में चलिए या घड़ी के विपरीत दिशा में चलिए, बात एक ही है, जब हम घड़ी के दिशा में चलते हैं तो दो के बाद आता है तीन, दो के बाद तीन, और तीन के बाद आता है चार हो गया। फिर दूसरे वाले में भी घड़ी की दिशा में जिस रूट से इसमें चलेंगे उसी रूट से इसमें चलेंगे, अगर इसमें आप घड़ी की दिशा में जा रहे हैं इसमें भी आप घड़ी की दिशा में जाएंगे, अगर इसमें आप घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो इसमें भी घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, तो पहले नंबर का विपरीत दूसरे नंबर वाले पासे में उपस्थित हो जाएगा, और जो दोनों जगह कॉमन होगा वह नंबर जो दोनों जगह क्या होगा कॉमन होगा उसके विपरीत कौन सा नंबर होगा या शब्द होगा, तो उसके विपरीत वह शब्द या नंबर होगा जो इस पूरे नंबरिंग में आपको कहीं नहीं दिखेगा। जैसे दो का विपरीत क्या है छः है, अब यह अच्छा इस पूरे डाटा में कहीं नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, अर्थात तीन का विपरीत एक, चार का विपरीत पाँच, और दो का विपरीत क्या हो जाएगा छः हो जाएगा। क्लियर, आई होप चीज़ें आपको समझ में आई हो। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं जब तीन पासा दिया हो, जब तीन पासा दिया हो तब क्या होगा, या आप चाहें तो इसमें कुछ नोट करके भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लिखना चाहें कि जब एक पासा या चिन्ह दिया था तो उसमें क्या कॉमन था, ठीक है, जब एक पासा या चिन्ह दिया था तो उसमें क्या कॉमन था। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, नोट में कुछ खास नहीं है, बस वही चीज़ें हैं जो हम आपको शब्दों में बता रहे हैं, बोल के बता रहे हैं, वही चीज़ें नोट हैं। जैसे हमने बताया कि जब दो पासा दिया हो और उन दोनों पासों में कोई शब्द कोई अक्षर या अंक या चिन्ह कॉमन हो तो उसे ही मानक मान के घड़ी के दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में नंबरों की ओर आगे बढ़ेंगे,
जो भी नंबर आएगा उसके विपरीत वही नंबर क्या होगा, होगा। और पूरे नंबर सिस्टम में मतलब जो भी संख्याएं आपको नजर आएंगी उसमें से वह संख्या जो नजर नहीं आ रही है वही कॉमन संख्या की क्या होगी, विपरीत संख्या होगी। ठीक, चलिए अगर अब हम बात करेंगे तो अब तक हम लोगों ने देखा कि एक पासा या घन दिया हो, दो पासा या घन दिया हो। अब हम देखेंगे कि जब हमारे पास तीन पासा या घन दिया हो तो उसके विपरीत संख्या या अंकों को हम कैसे पहचानेंगे। यदि तीन पासे दिए गए हों, यदि तीन घन या पासा दिया गया हो, जब तीन घन पासे दिए गए हों तब क्या होगा, देखिएगा। डायग्राम हमारे साथ साथ बनाते जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा, बाद में आपको आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम आसान फिगर है, आप चाहे तो आसानी से बना सकते हैं, कुछ खास नहीं है इसमें, बस हमारे साथ बनाते जाइए और आपका भी बनता जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, करना कुछ नहीं है, कैपिटल वाई बनाइए, फिर उसे क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह तोड़ते जाइए, अपने आप पासा क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, हमने क्या लिखा कि जब तीन पासे दिए हों, जब तीन पासे दिए हों तब, तो पहले में नंबरिंग है 6 2 3, 6 यानी 6 2 3, 6 2 3। दूसरे वाले में नंबरिंग है 6 2 3, 5 6 1, 5 6 1। तीसरे वाले में है 3 4 1, 3 4 1। अब हमारे पास तीन पासे दिए गए हैं और इन तीनों में से किन्हीं दो पासों में, इन तीनों में से किन्हीं दो पासों में कोई ना कोई एक नंबर ऐसा होगा जो कॉमन होगा। हमने क्या बताया, ये जो तीन पासे हमने आपको दिए हैं इन तीनों में से कोई दो पासों में, कोई दो पासों में कोई ना कोई एक नंबर क्या होगा, कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा। जैसे अगर हम बात करें इन दोनों की, यह हमारा पहला है, यह हमारा क्या है, दूसरा है, और यह हमारा कौन सा पासा है, तीसरा है। हमने बताया कि किन्हीं दो पासों में कोई ना कोई एक नंबर क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे अगर इसकी हम बात करें, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी क्या है, 1 है ना। चलिए अगर इसकी हम बात करते हैं, इसके 6 को लेते हैं और घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं, देखते हैं क्या इस बार हो पाता है। आप चाहे तो विपरीत चाहे तो घड़ी की दिशा में ही चल लेते हैं, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे तो कुछ इस प्रकार चलेंगे, 6 के बाद क्या आएगा, 2, और 2 के बाद क्या आएगा, 3। पहला वाला हो गया, यह हमारा क्या था, प्रथम पासा था। अब द्वितीय पासा में चलते हैं तो इसमें भी घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, यानी कुछ इस दिशा में चलेंगे, तो यह आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा, 1, और 1 के बाद क्या आएगा, 5, 5 आ गया, अर्थात 2 का विपरीत 1, 3 का विपरीत 5, और इस 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत वही नंबर होगा जो इन इस पूरे नंबरिंग में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम जानते हैं कि एक घन या पासा में कुल कितने फलक होते हैं, 6, कितने होते हैं, 6। तो 6 फलकों में से 6 नंबर में से 5 नंबर हमको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 5 और 6, यानी यहाँ पर कौन सा नंबर अब्सेंट है, तो 4, यहाँ पर कौन सा नंबर अब्सेंट है, तो 4, यानी 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत 4 होगा। क्लियर, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का 1 3 का 5 और 6 का 4। क्लियर, ठीक उसी प्रकार अब इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों में जो कॉमन है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसका 1 ले लिया। अब 1 के बाद हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 1 के बाद क्या आएगा, 5, और 5 के बाद क्या आएगा, 6। उसी प्रकार अब यह हमारा कौन सा पासा है, यह हमारा दूसरा पासा है। अब इसी प्रकार इसमें चलते हैं तो यहाँ पर भी हम 1 लेंगे और 1 लेने के बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 1 के बाद क्या है, 3। 1 के बाद क्या है, 3, और 3 के बाद क्या है भाई, 4। यानी यह कौन सा हमारा पासा है, यह हमारा तीसरा पासा है, तीसरा पासा है ना। अब देखिए यहाँ पर जो कॉमन है, कौन सा कॉमन है भाई, 1 कॉमन है। अब इन नंबरों में कौन सा नंबर हमें नहीं दिख रहा है, 1 3 4 5 6, यानी कौन सा नहीं दिख रहा है, 2। अर्थात 1 का विपरीत क्या है, 1 का विपरीत 2 है, 1 का विपरीत क्या है, 2। देखिएगा ध्यान से, 5 का विपरीत 3, 6 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 2, यानी यहाँ से भी निकल के आया सेम चीज़ें।
पाँच का तीन यानी तीन का पाँच, पाँच का विपरीत तीन है, पाँच का विपरीत तीन है, छः का चार है, छः का चार है, एक का दो है, एक का दो है, यानी दोनों जगह से हम निकल के दिखा दिए, यानी जो एक है इस एक दो तीन चार पाँच छः इनके विपरीत अंकों की अगर हम बात करें तो एक का विपरीत क्या है, एक का विपरीत दो, दो का एक हो गया, तीन का विपरीत पाँच, चार का विपरीत छः, पाँच का विपरीत तीन और छः का विपरीत चार, यानी यह इसके क्या हो गए भाई, अपोजिट नंबर, यह इनके विपरीत विपरीत संख्या है, क्या है, संख्या है। चीजें आपको स्पष्ट हुई, हमने क्या बताने का प्रयास किया, हमने बताया कि जब तीन पासे दिए हों हमको, जब तीन पासे दिए हों और उन तीनों पासों में से प्रत्येक संख्या शब्द या चिन्ह का विपरीत चिन्ह शब्द संख्या अगर हमसे पूछता है तो हम कुछ इस प्रकार से उसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, बात करेंगे सबसे पहले जो तीन आकृतियां दी हैं उन तीनों में से किन्हीं दो आकृतियों को चुनेंगे और चुने हुई दो आकृतियों में से कोई ना कोई एक नंबर ऐसा होगा जो दोनों आकृतियों में क्या होगा, अवेलेबल होगा, उपस्थित होगा, उसे ही कॉमन मानकर घड़ी की दिशा में क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर छः को लिया, छः के बाद दो, दो के बाद तीन, छः दो तीन, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हमने छः को लिया, छः के बाद एक पाँच, सिक्स वन फाइव, क्लियर। अब दो का विपरीत एक, तीन का विपरीत पाँच, मतलब ऊपर वाला जो नंबर आया है और जो नीचे वाला नंबर आया है, ऊपर वाले नंबर का विपरीत नीचे वाला नंबर होगा, ऊपर वाले शब्द का विपरीत नीचे वाला शब्द होगा, ऊपर वाले चिन्ह का विपरीत नीचे वाला चिन्ह होगा। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई हो। जो चीज़ मतलब जो नंबर इसमें नहीं दिया है वही नंबर इस चुने हुए यानी कॉमन या उभयनिष्ठ अक्षर शब्द चिन्ह का अपोजिट विपरीत शब्द अक्षर चिन्ह वही होगा जो इस पूरे सारणी में नजर नहीं आएगा। पूरे डाटा में जो शब्द नंबर या अक्षर या चिन्ह जो नजर नहीं आएगा वही नंबर इस कॉमन नंबर का क्या होगा, विपरीत होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार फिर हमने इसमें देखा तो हम इसमें दूसरे और तीसरे में कंपेयर किए, पहले वाले में हमने पहले और दूसरे में कंपेयर किया, यहाँ पर दूसरे और तीसरे में कंपेयर किया, तो यहाँ पर हमें एक क्या नजर आया, कॉमन नंबर वन, वन के बाद फाइव फिर सिक्स, घड़ी की दिशा में एक पाँच छः, फिर घड़ी की दिशा में एक तीन चार, एक तीन चार, अब तीन का विपरीत पाँच या पाँच का विपरीत तीन, छः का विपरीत चार, अब एक का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर कौन सा नंबर हमें नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हमें दो नजर नहीं आ रहा है, अर्थात एक का विपरीत क्या होगा, दो होगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। ठीक है, तो हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, कुछ सवालों के साथ देखेंगे और बताएंगे, बताने का प्रयास भी करेंगे कि भाई जो वन डे एग्जाम में या किसी भी स्टेट लेवल या कोई भी वन डे एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में कुछ सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।